फोर्सेस आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है ये वेक्टर से रिप्रेजेंट होते हैं तो दो फोर्सेस आपके पास हैं, दो एफ वन और एफ टू किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रही है पॉइंट ओ पे ठीक है जब इन दो फोर्सेस को अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल फर्स्ट वेक्टर एज इट इज इन सेम डायरेक्शन ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर हो गया F1 जब आप सेकेंड वेक्टर को इसके ऊपर ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल सेकेंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रख के ड्रॉ करेंगे इन सेम डायरेक्शन ये आपके पास सेकेंड फोर्स होगी ठीक है आपके पास ये दो फोर्सेस हो गई हैं एक F1, F2 इनको हम लोगों ने ऐड कर लिया है ऐड किस तरह किया है F1 फर्स्ट फोर्स फर्स्ट वेक्टर एज इट इज सेकेंड हमने फर्स्ट के हेड से स्टार्ट किया है फर्स्ट के हेड पे इसकी टेल है देन हमने एज इट इज सेम डायरेक्शन में ड्रॉ की है अब ये एडजेसेंट साइड ऑफ ट्राई बन गई यानी कि हम लोग अगर इसको देखें तो ये ट्राई की दो साइडें बन गई ये देखें ये मैंने स्केल रख के एक साइड बनाई है ये ट्राइंगल बनती है ये देखें हम लोगों ने इन दो वेक्टर्स को अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल एड कर दिया अब मैं यहां पर एक इमेजनरी लाइन लगाती हूं ये वैसे मैंने एक हल्की सी लाइन लगाई है अब ये देखें ये बन गई है ट्राइंगल ये पूरी ट्राइंगल बन गई है तो ये जो आपके पास स्टेटमेंट थी इफ टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन दे कैन बी रिप्रेजेंटेड जी हमने रिप्रेजेंट किया है बाय द टू एडजस्टेंट साइड यानी कि दो साइड ट्राइंगल की साइड्स ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल की दो साइड्स की तरह बिहेव करें ठीक है देन रिजल्टेंट रिजल्टेंट फोर्स आपको पता है कौन सी फोर्स होती है वो फोर्स होती है रिजल्टेंट जो कि दो फोर्सेस को एड करने के बाद एज अ रिजल्ट मिलती है उसे हम लोग रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं एफ ठीक है then their resultant will be equal to third side enclosing side of that triangle taken in opposite order ठीक है ये आपको कह रहे हैं कि जो अब हमने रिजल्टेंट ड्रॉ किया है ये ये आपके पास इन दो को कंप्लीट कर देगा ट्रायंगल में ये पूरा अब आपके पास ट्रायंगल बन गया है तो अब हम लोगों ने रिजल्टेंट यहां पर बनाया है रिजल्टेंट फोर्स बनाई है एफ सी से डी तक इसे नाम दिए सी बी ए जो हमने रिजल्टेंट बनाया है ये रिजल्टेंट इन दो वेक्टर के साथ मिलके ट्रायंगल को कंप्लीट कर देगा ये देखें ये कंप्लीट ट्रायंगल बन गई हमारे पास सी ये हमारे पास जो वेक्टर वन था इसमें हमने वेक्टर टू को ऐड किया ये ट्रायंगल की दो साइड्स बन गई हमने थर्ड जो रिजल्टेंट ड्रॉ किया उसकी मदद से वो ऐसे ड्रॉ हुआ है कि हमारे पास ये पूरा का पूरा ट्रायंगल बन गया एफ वन एफ टू एफ ने मिलके हमारे पास एक कंप्लीट ट्रायंगल बना दी ट्रायंगल ऑफ फोर्स कन्वर्ट ऑफ लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स अगर हम करें ट्रायंगल ऑफ फोर्स या हम लोग कहें कि ऑफ 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 लॉ फोर्स एक ही बात है इसकी स्टेटमेंट है इफ थ्री आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर सच दैट दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर देन रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू जीरो एंड द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम इसके अकॉर्डिंग आपके पास अगर तीन वेक्टर तीन हम लोग फोर्सेस ले लें फोर्स वेक्टर क्वांटिटी तीन फोर्सेस किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ओ वो वेक्टर कौन कौन से हैं जो आपके पास फर्स्ट फोर्स है वो है ओ ए सेकेंड फोर्स है ओ बी थर्ड फोर्स है ओ सी ठीक है ओ सी इसलिए बोल रही हूं यहां पर क्योंकि ये किसी भी पॉइंट के ऊपर एक सिंगल पॉइंट के ऊपर तीनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इनको मैंने अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल एड कर दिए तीनों को एड कर दिए फोर्स वन जो आपके पास थी F1 इसको मैंने एज इट इज बनाया फोर्थ टू को हमने अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल एड किया है ये देखें सेकेंड की टेल फर्स्ट के हेड के ऊपर रखी है मैंने ये देखें इस तरह बनाया थर्ड वेक्टर आपके पास ये है F3 थ्री थर्ड वैक्टर है इसकी डायरेक्शन देखें आप मैंने इसको अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ही एड किया है कि मैंने सेकेंड वैक्टर के हेड के ऊपर इसकी टेल रखी है और देन इसको ड्रॉ किया जब इसको मैंने ड्रॉ किया है तो ये एक कंप्लीट ट्राइंगल बन गया और एफ वन और हमारे पास स्टेटमेंट आती है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कन्वर्ट लॉ ट्राइंगल के एफ वन प्लस एफ टू एफ थ्री इक्वल टू जीरो और बॉडी इक्विलिब्रियम में एग्जाम्पल मैं आपको कलरफुल स्टिक से देती हूँ के हम मैंने वेक्टर लिए वेक्टर ए लिया वेक्टर बी लिया और वेक्टर सी लिया मैंने ये देखें ये इन तीनों ने मिलकर तीनों ऐड होके हमारे पास एक ट्रायंगल बनाया बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम मतलब कि मैं इसको जिस एंगल से भी देखूंगी ये ट्राई एंगल ही रहेगा ये मैंने एक साइड आपको दिखाई है अब मैं इसको अगर यूं देख रही हूं ये तब भी ट्राई एंगल ही है इसको मैं यूं देखती हूं तब भी ये ट्राई एंगल है तो बॉडी इन इक्विलिब्रियम का मतलब यही है कि तीनों हम लोग जिस एंगल से भी मर्जी देखें ये ट्राई ही है